असल नमस्कार सत एंड गुड इवनिंग मैं हूँ काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई जी हाँ बेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चले अपनी न्यूज की तरफ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दिएगा तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फौरन ही नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और लाइक के बटन को अगर क्लिक कर देंगे तो जी वो तो और भी अच्छा हो जाएगा लेकिन खैर हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ सभी लोग जानते हैं आज जी आ, होली मनाई जा रही है और होली जो है वो ना सिर्फ ये कि भारत में बल्कि जहां जहां पे हिंदू कम्युनिटी रहती है पूरी दुनिया में सभी जगह मनाई जा रही है वैसे तो इसको एक तरह से स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जी सर्दी होली यानी जब सर्दी खत्म होती है हो उसके बाद स्प्रिंग के टाइम पर जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है खैर इसकी और भी बहुत सारी डिटेल्स है जो हमारे जो गेस्ट आते रहते हैं वो हमने उनसे पूछी है और आप लोग भी, सब भी जानते हैं पाकिस्तान में भी जी होली मनाई जा रही है और जो हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में है वो भी इस वक्त होली मना रही है कल से हमारे टीवी चैनल्स भी कुछ क्लिप्स दिखा रहे हैं जिसमें जो हिंदू कम्युनिटी है वो एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं और होली खेले खेली जा रही है होली और भारत में तो जाहिर है कि एक बहुत बड़े स्केल पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है और बहुत से हमने देखा कि लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स भी लगाई हैं जिसमें वो होली खेल रहे हैं और खूब उनके चेहरे के ऊपर जो है आ, वो कलर लगा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है और देख के बहुत ऐसा अच्छा लग रहा है कि भाई काश हमारे यहाँ भी इतनी बड़े स्केल के ऊपर जो है वो होली खेली जा रही होती लेकिन आप तो जानते ही है कि काज अदम यूनिवर्सिटी में एक दो साल पहले जब होली खेली गई थी तो उसके ऊपर किस तरह से शोर मचाया गया था और किस तरह से उन स्टूडेंट्स को डराया धमकाया गया था कि मेरे ख्याल है इस साल उन्होंने शायद होली नहीं खेली है जी हाँ पाकिस्तान में भी जो है होली फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा है और हम आपको ये भी बताते चलें कि मरियम नवाज जी हाँ जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर है पंजाब की उनका कहना यह है बल्कि उनकी तरफ से अनाउंस किया गया है कि जो हिंदू कम्युनिटी है पंजाब में उनके लिए जी उन्होंने एक पैकेज का अनाउंस किया है और ये कहा गया है कि तकरीबन 700 हंड्रेड हिंदू फैमिलीज हैं जिनको दस हजार रुपए जो है वो कैश दिया जाएगा ये कहना है जी मरियम नवाज का वैसे तो खैर मरियम नवाज साहेबा यही शुक्र है कि कोई सेवन फैमिलीज जो है वो पंजाब में आपको मिल गई वरना हमें तो लग रहा था कि शायद सबको ही कलमा पढ़ा दिया है इसका मतलब है कुछ लोग बच गए और लेकिन दस हजार दस हजार से क्या होगा आ, मतलब दस हजार पाकिस्तान में इस वक्त दस हजार जो है उससे कुछ खास आता नहीं हो सकता कोई एक ड्रेस कोई आ जाता हो किसी का लेकिन खैर कोई बात नहीं आ, कुछ तो दिया आपने और कुछ तो आपने बताया कि ख्याल किया जा रहा है और उसमें जाहिर है कि एक बहुत बड़ा रोल जो है वो उन लोगों का भी है जो यूट्यूब पर या कह लीजिए टी वी पे जो है वो बात करते हैं माइनॉरिटीज की पाकिस्तान में उनके राइट्स के लिए बात करते हैं उनके ऊपर जो गलत हो उनके साथ किया जा रहा है उस पर बात करते हैं आ, मैंने तो खैर टीवी चैनल पे जब मैं थी आ, कोई चार पांच साल पहले मैंने तो टीवी चैनल पर भी बार बार माइनॉरिटीज के लोगों को बुलाया भी और बात भी की लेकिन यूट्यूब पर जाहिर है कि आपको ज्यादा स्पेस मिलती है आप ज्यादा बात कर सकते हैं ज्यादा उन लोगों की प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जा सकता है तो हो सकता है इस बार जो है वो गवर्नमेंट को कुछ ये सब कुछ सुनकर और देखकर कोई थोड़ी सी शर्म आ गई हो लेकिन वो भी सिर्फ फिलहाल पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है बाकी प्रोविंसेस की गवर्नमेंट क्या कर रही है आ, वो अगर कुछ अनाउंस करेंगे तो हम डेफिनेटली आपको बताएंगे लेकिन अभी तक तो उनमें से किसी ने कुछ कहानी चूं भी नहीं की है मगर हाँ हम आपको ये बताते चलें कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी शायद अब यूट्यूब आ गया है तो आरजू काजमी ने होली मनानी शुरू कर दी है अब यूट्यूब आ गया है तो आरजू काजमी दिवाली मनाती है ऐसा कुछ लोग कहते हैं और लेकिन उन लोगों को मेरा ख्याल है कि अजीब नहीं लगता क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं उनमें से अक्सर ऐसे

ये भी आप देख सकते हैं पिक्चर ये भी मेरी जो स्कूल फ्रेंड है उसकी फैमिली है और यानी कि वो जाहिर मेरी स्कूल फ्रेंड जो है वो हिंदू है उसकी फैमिली है और ना सिर्फ फ्रेंड बल्कि बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं कि हमारी बहुत ज्यादा दोस्ती रही है और उनके साथ भी मैं होली मनाती रही हूँ फिर लास्ट ईयर हमें जी यहाँ जो इंडियन एम्बेसी है वहां पे गए थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं और मेरे दोस्त भी हैं साथ में और मीडिया फ्रेंड्स भी हैं और वहां हमने होली खेली इस साल जो है वो आ, इंडियन एम्बेसी ने होली नहीं की रमजान की वजह से क्योंकि उनका ये कहना था कि जी फिर खा पी नहीं सकते खिला पिला नहीं सकते क्योंकि जाहिर है डे में ये फंक्शन किया जाता है फेस्टिवल मनाया जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं थी मैंने तो उन लोगों को बताना भूल गई लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए था कि वो फिर ये करते कि खाना पैक करके हम लोगों को दे देते और हम लोग फिर अफ्तार में खा लेते इसलिए कि फ्री का खाना तो हम पाकिस्तानी कहीं नहीं छोड़ते फिर भला इंडियन एम्बेसी का कैसे हम जाने देते मगर क्या कोई बात नहीं आ, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये फेस्टिवल मना लिया जाए और नेक्स्ट ईयर हमें फिर इंडियन एम्बेसी में जाके रंग खेलने का मौका मिले हम आगे बढ़े हम आपको यह भी बताते चले कि ये दो पिक्चर्स में आपको दिखा रही हूं ये जी लास्ट ईयर की है 2023 ट्वेंटी थ्री जिया होली की पिक्चर है और उसके बाद ये इस साल की पिक्चर है ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं कि बहुत से लोग लिख रहे हैं कि यार ड्रेस तो चेंज कर लेती तो मैं उन लोगों को ये बता दूं की ये दो अलग अलग ड्रेसेस हैं प्लीज आप लोगों को ये एक ही ड्रेस क्यों लग रहा है पता नहीं लेकिन ये दो अलग अलग ड्रेसेज है ये मैं बताने के लिए मैंने कहा था कि मैं जरा बता दूं आप लोगों को तो चले कोई बात नहीं जिन लोगों को ये एक ड्रेस लग रहा है आई होप की ये अगर वीडियो वो देख रहे हैं तो ये वीडियो देखकर उनको समझ आ गई होगी कि ये दो अलग अलग ड्रेसेज जरा सी आंखें खोल के बल्कि हमारे जैसे कहते हैं ना आंखें

को चेक किया जा रहा है कि वो कुछ गलत तालीम दे रहे हैं या बच्चों को गलत सीख दे रहे हैं उनको शायद रोका जाएगा या उनके ऊपर किसी किस्म का एक्शन होगा तो इसलिए ये चीज तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए हमारे यहाँ भी जो मदरसा एजुकेशन है उसमें बहुत बार हमने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं उनको किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ सिखाया पढ़ाया जाता है उनके दिमागों को एक तरह से ब्रेन वॉश करके अपनी मर्जी का कुछ भी उनको सिखाया जाता है तो मदरसे तो पाकिस्तान में भी भी बंद होने चाहिए तो मैं मैं हमेशा से कहती रही हूं और इस वक्त भी मैं, आ, जो है यही कहूंगी कि अगर भारत में इस तरह हो रहा है तो हमारे बहुत से दोस्त हैं जो बड़े नाराज हुए हैं उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई है जी भारत इस तरह कर रहा है लेकिन ये काम तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए मदरसा एजुकेशन जो है वो बंद करें रिलीजन हर एक का जाति मामला है अगर आपको रिलीजन पढ़वाना है पढ़ना है तो आप घर में पढ़िए या कम से कम इन मदरसों को इतना चेक तो जरूर करना चाहिए कि कहीं ये बच्चों को गलत सीख तो नहीं दे रहे जो हमारे तो बहुत किया जाता है मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान के मदरसे क्या सिखाते हैं लेकिन पाकिस्तान में तो जो है वो एक हेटरेट जो सिखाई जाती है दूसरे रिलीजन से वो बहुत ज्यादा है और यहीं से वो कहते हैं ना कभी गजवा हिंद हो रहा होता है तो कभी जिहादी बन के निकल रहे होते हैं कभी सबको कलमा पढ़ा दो कभी सर तन से जुदा, ये सारी चीजें जो है हमारे ज्यादातर मदरसे से निकलते हैं वैसे तो अब ऐसे ऐसे लोग भी निकलना है जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी इस किस्म की बातें करते हैं लेकिन ज़ाहिर मदरसे में ये चीज़ें ज्यादा सिखाई जाती हैं तो पाकिस्तान में भी जरूर जो मदरसा सिस्टम है या मदरसा जितने मदरसे हैं उन सबको चेक करना चाहिए गवर्नमेंट को और इनको रोकना चाहिए गलत बातें बच्चों को सिखाने से बल्कि बंदी दें तो ज्यादा अच्छा होगा जगह जगह मार्केट में इनके बॉक्सेस लगे होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि जी इस मदरसे को डोनेशन दीजिए और उस मदरसे को डोनेशन दीजिए जब से रमजान शुरू हुआ है सुबह से रात तक कोई ना कोई फोन आता रहता है कोई ना कोई मैसेज आता रहता है ज्यादातर इसी तरह के लोगों का होता है ये पता नहीं कहाँ से कंपनी से जाके नंबर ले लेते हैं कि कहाँ से नंबर ले लेते हैं और उसके बाद ये जी मैसेजेस और कॉल्स का सिलसिला ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है यकीन जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है वो कंपनीज जो है यकीन वो या तो नंबर उनको दे देती है या वो किसी तरीके से निकाल लेते हैं और उसके बाद लगे होते हैं रीफ कॉल्स करने वाले लोगों को कि जी आप हमें डोनेशन दे दीजिए और इन लोगों को डोनेशन देना ऐसा ही है जैसे आप गटर में पैसे फेंक रहे हैं तो बिल्कुल अपने पैसे गटर में मत फेंकिए और इन लोगों को पैसे ना दीजिए उसके बजाय ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं जो आपके घर में काम करने वाले हैं चाहे आपका ड्राइवर हो माली हो घर में कोई मेड काम करती हो या कुछ भी उनको पैसे दे दीजिए वो ज्यादा बेहतर है बजाय इस तरह के लोगों को पैसे देने के जो मदरसे चला रहे हैं और मदरसे में और मजीद ऐसे लोगों को जो है वो कहना चाहिए कि ऐसे लोगों को गलत सीख सिखा रहे हैं बच्चों को कि और ज्यादा वो दूसरे रिलीजन से और दूसरे लोगों से नफरत करें उनके अंदर टॉलरेंस कम हो जाए और वो हर बात पे कहें बस जी हमने जो है ना सर तन से जुदा कर देना है तो इस किस्म की चीजों को रोकने के लिए यकीन है न, भारत की गवर्नमेंट ने भी ये मदरसे के ऊपर रोक लगाने के लिए या मदरसों को चेक करने के लिए आ, कोर्ट ने यह फैसला दिया है और इसके ऊपर भारत में तो खैर शोर हो ही रहा होगा यकीन लेकिन पाकिस्तान में भी सबके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है कि जी ये कैसे हो गया जबकि ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेनी चाहिए और मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत से लोग बहुत से हमारे दोस्त जो हैं पाकिस्तान से वो भी नाराज हो जाएंगे यकीन मेरी इस बात को सुन के लेकिन मैं जी बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस मदरसा सिस्टम के और मेरे ख्याल से मदरसा सिस्टम कहीं भी नहीं होना चाहिए ना पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में ना ही कहीं किसी भी और कंट्री में खैर हम बड़े आगे और आ, आ, हम बताएं आपको जी पतंग बाजी की सजा तीन साल कैद जी हाँ पाकिस्तान में पतंगबाजी की सजा जो है तीन साल कैद कर दी गई यानी वो आपने देखा होगा एक दिन पहले एक साहब जो है फैसलाबाद में जा रहे थे बाइक से और उसकी पतंग की डोर से उस बेचारे की जो नेक है उसके ऊपर कट लगाया और उसके बाद उसकी जान चली गई अब ये देखते हुए जी पतंगबाजी के ऊपर एक बार फिर पाबंदी लगाई गई है और सजा तीन साल कर दी गई लेकिन हाँ उस डोर को नहीं रोका जाएगा वो डोर बनाने वालों को नहीं पकड़ा जाएगा वो डोर जो बनाते हैं और बेचते हैं या उन लोगों के ऊपर किसी किस्म का क्रैकडाउन करने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है हाँ जो पतंग उड़ाएगा उसको पकड़ के बंद कर देंगे तो भाई बंद उसको कीजिए ना जो इस किस्म की डोर बना रहे हैं उन लोगों को बंद कीजिए जो इस तरह से लोगों की जाने ले रहे हैं बजाय इसके कि आप पतंग बाजी के ऊपर ही रोक लगा दें ये डोर ज्यादातर कहा जाता है पाकिस्तान में भी बनती है उसके अंदर शीशा वगैरह डाल देते हैं ताकि वो दूसरे की पतंग, पतंग को काटा जा सके और चाइना से बहुत आता है इस तरह की डोर जो है वो चाइना से बहुत ज्यादा पाकिस्तान में आती है तो आप चाइना से इस चीज को इस इस तरह के जो सामान आप चाइना से ले रहे हैं वो मत लीजिए लेकिन उस तरह की कोई रोक जो है या किसी किस्म की वो पाबंदी नहीं लगाई जाएगी हाँ ये किया जाएगा कि अगर कोई पतंग उड़ा रहा है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे और उसको कहेंगे कि जी इसको पकड़ के तीन साल के लिए कैद में डाल दो तीन साल की सजा दे दो ये एक बहुत ही अजीब सा पाकिस्तान में इस वक्त हालात हुए हुए हैं और लोग बड़े परेशान भी हैं कि जी कोई फेस्टिवल आप मनाने नहीं देते हैं और जिस चीज से नुकसान हो रहा है उस चीज को रोकने के बजाय उन लोगों को रोका जा रहा है जो फेस्टिवल मनाते हैं दिखाई देते हैं अल्लाह हमारे यहाँ तो ये हमेशा से ही रहा है और शायद कभी ठीक ना होने की कसम खाई है हमने कहीं ना कहीं खाई होगी और इसी वजह से हम लोग ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हर बार यही तमाशा जो है वो हमें दिखाई देता है बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की शहबाज शरीफ साहब ने गैस कीमतों में इजाफे पे बहुत नाराजगी जाहिर की है बहुत गुस्सा अरे ये क्या ऐसे कैसे प्राइस बढ़ा दी वन फिफ्टी फाइव परसेंट बढ़ा दिए ऐसे थोड़ी होता है तो ये जी शहबाज शरीफ साहब का कहना है उससे मुझे इमरान खान याद आ गए इमरान खान के जमाने में भी कहा जाता था, था ना कि जी मूंगफली खाओ और अपनी गैस खुद बनाओ तो जी हाँ मुझे भी अभी यही लगता है कि शहबाज शरीफ साहब भी अभी यही कहने वाले हैं कि जी मूंगफली खाओ और अपनी गैस जो है ना वो खुद बनाओ यही पाकिस्तान की पब्लिक को शायद वो कहने वाले हैं यानी अब जो है जी गैस का बिल जिसका सिक्स हंड्रेड रुपीज का आता था अब उसको फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज आया करेंगे जी हाँ अब अगर कोई पहले सिक्स हंड्रेड रुपीजे बिल पे करता था तो अब वो फिफ्टीन लेकिन ये क्या चक्कर है भाई आ, क्योंकि मैं मैंने लास्ट मंथ नहीं उससे पहले मैंने लास्ट उससे पहले जो मंथ था उसमें मैंने फाइव हंड्रेड पे किए थे गैस के और लास्ट मन मेरा आया साढ़े पांच हजार का जी हाँ फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड का गैस का बिल मेरा आया है ऐसे कौन से पकौड़े पका लिए मैंने कि उनके ऊपर उन मुझे पांच हजार एक्स्ट्रा का बिल आया है हालांकि होना तो ये चाहिए था कि भाई अगर फाइव हंड्रेड का है तो चलो अगर इतना भी इन्होंने बढ़ा दिया तो जैसे वो लिखा है कि फिफ्टीन हंड्रेड तो मेरा चले दो हजार का आ जाता लेकिन मेरा पांच हजार का बिल आया अब ये जरूर चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर पांच हजार में कौन से पकौड़े मैंने बना के खा लिए लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब गैस के बिल के ऊपर जो है जी प्राइम मिनिस्टर बहुत नाराज हुए उन्होंने कहा भाई ये क्या बात हुई है ऐसे कैसे लेकिन होना ये चाहिए कि ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं इनके इनकी भी घर की गैस जो है ना वो बंद कर दी जाए और इनसे जो बिल है वो लिए जाए ये जो सरकारी खर्चे के ऊपर बैठ के और भाषण देते हैं ना इन लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल में करने की जरूरत है वरना पाकिस्तान जैसे चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा अफसोस की बात यह कि ऐसे ही चलता रहेगा हम बात करें एक बार फिर अः जरदारी साहब की जी जरदारी साहब ने कर, जो अपनी नेशनल असेंबली की सीट छोड़ी है जी हाँ जो उससे वो हटे हैं और उसके बाद प्रेजिडेंट बन गए तो फिर नेशनल गएली की सीट जो है जो उन्होंने जीती थी उससे तो उन्हें हटना ही पड़ा पड़ा होगा ना वो उस सीट पे भी कहा ये जा रहा है कि आसिफा भुट्टो जरदारी यानी कि जरदारी साहब की सबसे छोटी बेटी जो है आ, वो बगैर किसी कम्पटिशन के बगैर किसी मुकाबले के जो है वो हो सकता है कि उनको सेलेक्ट कर लिया जाए यानी कि यहाँ पर हो यही राय है कि बाप जो है वो उस वहाँ पे प्रेजिडेंट बन गए बेटी को पार्लियामेंट में ले आएंगे तो पता नहीं बिलावल साहब के साथ क्या नाराजगी है वरना उनको भी ले, आ, ले आना चाहिए था इनको या ये हो सकता है कि जो कहा जा रहा है बार बार ढाई साल गवर्नमेंट चलाएंगे शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद आ जाएंगे प्राइम मिनिस्टर बन के बिलावल भुट्टो जरदारी अब जिस कंट्री में इस तरह से काम होता हो वहां पे आप समझ सकते हैं कि वहां के हालात क्या होंगे लेकिन हम आपको ये भी बताएं वर्ल्ड बैंक से भी हमने लोन उठा लिया है साथ साथ आई से भी लोन मिल चुका है हो सकता है कुछ दिनों में सऊदी अरब जो है आ, वो भी पाकिस्तान को कुछ ना कुछ जो है वो दे दे जाहिर देना ही पड़ेगा अगर कुछ नहीं दे रहे तो वो जी वो सिर्फ मोदी जी नहीं दे रहे वरना मोदी जी को भी चाहिए कि कुछ पैसे दे दें दे लेकिन बहर की मर्जी अब हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना मगर ये जरूर है कि ये भी आप एहसान मानिए पाकिस्तान का पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट का और पाकिस्तान के उन लोगों का जो पॉलिसी बनाते हैं कि हम लोन मांग रहे हैं वरना हम ये भत्ता कह के, के भी ले सकते थे क्योंकि जाहिर है कि एक तरह का भत्ता ही है जो हर साल जो है या हर कुछ दिन के बाद जो है वो कभी अमेरिका हमें दे देता है कभी चाइना हमें दे देता है कभी सऊदी अरब हमें दे देता है और

वो जो एक शर्म आती है पैसा मांगते हुए तो किसी, किसी कंट्री से बार बार ये कहते हुए कि जी आप हमें लोन दे दीजिए या आप हमें डोनेशन दे दीजिए इस किस्म की बातें करते हुए पाकिस्तान की जो अः वो है वो क्लास है जो ये सब कुछ काम करती है जो कहने चाहिए पॉलिसी मेकर्स हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं जो पाकिस्तान के करता धड़ता है उनको शर्म क्यों नहीं आती पब्लिक को शर्म आ रही है लेकिन हमारे जो आ, माई बाप बैठे हैं उनको शर्म नहीं आ रही जो हमारे माई बाप पिंडी में बैठे हैं उनको भी शर्म नहीं आ रही मतलब किसी को भी जो है थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही पहले हमने सुना था किसी किसी ने लिखा भी था बल्कि सोशल मीडिया पर कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तब अगर तेईस मार्च जो कि डिफेंस डे मनाया जाता था तो बच्चे जो थे वो भी यूनिफॉर्म पहन लेते थे कहते थे कि हमें भी जो फौज की यूनिफॉर्म है वो हमें भी पहना दीजिए और उसके बाद जब ट्वेंटी थर्ड मार्च की परेड टीवी पे दिखाई देती थी और चलाई जाती थी तो बच्चे जो हैं वो भी यूनिफॉर्म पहन के बहुत प्राउड फील किया करते थे और उसके बाद सल्यूट भी मारा करते थे मगर अब बच्चे क्या करते हैं अगर वो मैं बता दूं तो फिर मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी तो इसलिए आप लोग खुद ही देख लीजिए खुद ही सोशल मीडिया चेक कर लीजिए कि इस वक्त हमारे लोगों ने हमारे भाई लोगों ने अपनी इज्जत का जो फालूदा बनाया है वो फालूदा लेने के लिए वो खुद भी तैयार नहीं और मानने को भी तैयार नहीं है कहते जी सोशल मीडिया कंट्रोल कर लो सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए अपने ही लोग लाकर असेंबली में बिठा दिए गए हैं अपने ही लोग लाकर चाहे वो इलेक्शन में लड़े हों ना इलेक्शन लड़े हों कुछ ना किया हो फिर भी उन लोगों को पावर दे दी गई है कि जी आपने जो है ना लोगों को बोलने नहीं देना मगर उस बात का क्या करेंगे जो लोग दिल में इनको कहते हैं ना इनकी वाह वाह कर रहे हैं उसका क्या किया जाएगा वो कोई सुनने को या करने को तैयार नहीं है बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और आ, होली मनाइए होली के रंग जैसी आई विश के सब लोगों की जिंदगी भी कलरफुल हो खुशी खुशी रहें खूब मिठाई विठाई खाएं और कलर से खूब खेलें आ, बाकी अब आप बातें आपसे बहुत जल्द दूसरी वीडियो में होंगी जो हम यकीन अपलोड करेंगे या तो रात को या फिर सुबह को लेकिन अपना ख्याल रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा Thank you.